तो ये स्कार्फ जो आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, यानी जिसे हम ढाठू भी कहते हैं, वो इतना लाइट वेट है कि सर ने बोला कि बालों से भी हल्का है, और सही में बहुत ही लाइट वेट है, मतलब लग ही नहीं रहा कि मैंने हाथ में कुछ पकड़ा भी है। बहुत ही यूनिक आइटम यहाँ पर आपको मिलेगी। इसको आप मैच बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं, मैच बॉक्स में से स्टिक्स बाहर निकाल के ये सारी जो स्कार्फ है फोल्ड करके आपके मैच बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ये जस्ट मैं प्रूफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये आपके सामने प्रूफ है, और ये वेट है, वेट के साथ आपके साथ प्रूफ है। बहुत खूबसूरत सा बैग आपको मेरे हाथ में दिख रहा होगा, ये हैंड बैग है और प्योर सिल्क का है, और इसके रेट की मैं बात करूँ तो ये पड़ेगा आपको 700 का। और साथ ही मैंने देखिए आप स्कार्फ लिया है, यानी जिसे हम ढाठू कहते हैं, ये देखिए इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये कढ़ाई के साथ 1500 का है, और अगर आप ऐसे लेते हैं बिना कढ़ाई के तो ये पड़ेगा आपको 500 का। मेरा एम यही है कि मेरी जो कला है, कश्मीर का कल्चर है, वो हर घर में पहुंचे, उनको पता चले कि कश्मीर में कैसे कैसी वैरायटियां बनती है और कैसे यूज़ होती हैं। एक तो ये जो मैंने स्कार्फ लिया है, ये इसका प्राइस 1500 आपने बताया, क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत ये है कि 100% प्योर टेबी सिल्क का है, और इसमें प्लस जो सोजनी काम हमारा होता है, सुई से की हुई काम जो होती है, जो हमारे घर के लेडी होमवर्क में करते हैं, तो वही काम इसको किया गया है, पश्मीना वर्क इसको बोलते हैं। यही वर्क हम पश्मीना शॉल में करते हैं, जिसकी रेट 50,000 एबो से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये सिल्क के पश्मीने में किया हुआ है, इसीलिए इसकी रेट 1500 है, और विदाउट वर्क लेंगे तो 500 से स्टार्टिंग रेंज आएगा इसमें। अभी आप जो यहाँ पर आर्टिकल लेके आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली क्या है यहाँ पर? उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली हमारी कानी साड़ी है, जो प्योर कानी पश्मीना में है और पूरा हैंडवर्क के साथ है ये। इसका क्या प्राइस है? जी, इसका एक्चुअल शोरूम प्राइस इज 25,800, बट ये हैंडीक्राफ्ट गांधी सिल्क बाजार है, यहाँ पे 50% का डिस्काउंट है, 12,600 में ये स्टार्टिंग है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी आपको यहाँ पे मिलेगी, और साथ ही डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा सर और क्या क्या लाए हैं? जी, हमारे पास कानी स्टोल्स हैं, नॉर्मल स्टोल्स हैं, स्कूल बच्चों के लिए स्टोल्स हैं लाइट वेट में, और हमारी जो कानी स्टोल जो सबसे महंगी मांगनी जाती है, वो स्टोल हमारे पास है। स्टॉल की क्या खासियत? इस स्टॉल की ये खासियत है, ये दिखने में पतली दिखती है, लेकिन आपको 2 रजाई के बराबर गर्म रहेगा, और इसको आप 12 महीना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंटर में यूज़ करेंगे तो आपको वार्म थोड़ा यूज़ होगा, और समर में यूज़ करेंगे तो आपको कोल्ड यूज़ होगा। ये 2 रजाई से ज़्यादा वाली, ये मेरे को कुछ मतलब पक्का ऐसा होता है? 100% पक्का होता है, मैं जैसा आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपके ऊपर ही ये ट्राई कर सकता हूँ। तो बिल्कुल, अब सर ने बोल दिया है, तो चलो अब देखते हैं इसको और आपको भी दिखाते हैं। तो पर सर ने बोला कि ये सर्दियों में गर्माहट देता है और गर्मियों में सर्दी, और ये लाइट वेट रहती है, ताकि मतलब ट्रैवलिंग के टाइम ब्लैंकेट्स, पहले ज़माने में ब्लैंकेट्स रज़ायाँ लेके जाते थे, अब उतना कैरी नहीं कर पाते हैं, लगेज फ्लाइट में जाना होता तो 15 kg खाली अलाउड है, तो उस हिसाब से ये कैरी कर सकते हैं, आप आराम से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जस्ट वेट 500 ग्राम से भी कम है। इसकी प्राइस की बात तो? प्राइस की बात है तो 12,000 से स्टार्टिंग रेंज है, ताकि 1,30,000 तक। वाओ, तो ये देखिए, ये बहुत ही खास आर्टिकल यहाँ पर लेकर आए हैं गांधी शिल्प बाजार में, जो कि मंडी पडल मैदान में लगा हुआ है। सर स्टॉल नंबर क्या है आपका? स्टॉल नंबर 8 है मेरा। स्टॉल नंबर 8 है, तो यहाँ से आप जितने भी हमने आर्टिकल दिखाए यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत के लिए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें, और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।